स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों एपिसोड काफ़ी रोमांचक माहौल में पहुंच चुका है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी कुछ हमने एक्सप्लेन किया है इस एपिसोड के बारे में, स्टोरी के लाइन के बारे में। आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप भी वही सोचते हैं जो हमने बताया है या फिर कुछ अलग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ रहा है कि वन में कौन जाएगा। और उसके बाद महाराज ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, और जो इलेक्शंस में जीतेगा वो विजयनगर में रहेगा और जो हारेगा वो जाएगा वन। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इलेक्शंस में कौन जीतेगा, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पीछे बना दी है। इसमें मैं आपको थोड़ा छोटा सा हिंट देता हूँ, बता देता हूँ कि एपिसोड्स में यानी कि इस प्रोग्राम में ना तो रामा कहीं जाएगा ना राजगुरु कहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों ही करैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे काफ़ी कुछ हासिल किया है इस शो ने और काफ़ी कुछ स्टोरीज इनके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो इलेक्शन में क्या होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन जीतेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्योंकि आप जो थंबनेल देख के आए हैं उसका वीडियो में बताना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि हम किसी प्रकार का क्लिकबेट नहीं करते। तो दोस्तों इलेक्शंस होंगे, काफ़ी अच्छे प्रकार से होंगे, दोनों ही उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा टाइम भी मिलेगा, लेकिन इलेक्शंस के जो नतीजे होंगे, जो उनके रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी चौंकाने वाले होंगे महाराज के लिए भी और जो उन्हें वन में लेके जाने जाता है गुरुजी वो शल्य चिकित्सक उसके लिए भी। तो नतीजे कुछ इस प्रकार होंगे जो हमें लगता है कि दोनों ही उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिलेंगे, एक जितने वोट मिलेंगे, जिससे दोनों ही जीत जाएंगे और शल्य चिकित्सक किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकेगा और महाराज भी इसे देखकर काफ़ी जो है अचंभित होंगे और दोनों ही रथ जो महाराज के हैं रामा और राजगुरु वो विजयनगर में ही रह जाएंगे। अगर आप इस थ्योरी से सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं, अगर आपकी थ्योरी कुछ और अलग है, आपकी प्रेडिक्शंस कुछ अलग कहती हैं तो हमें बताएं, हम उस पर भी विचार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, आपका सहयोग ही हमारे लिए संपत्ति के बराबर है। धन्यवाद।